अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम बेटा। भाई तुम्हारे मामू का फोन आया था, वो कह रहे थे कि तुम रोज बगैर बताए घर से चली आती हो। सिर्फ दो दफा ही हुआ है ऐसा। एक दफा भी नहीं निकलना चाहिए था बेटा, उन्हें लग रहा है कि तुम उनके कराची आने की वजह से परेशान हो इसीलिए रोज निकल जाती हो। वो वापस जाने की बात कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने उनको बताया था मेरे कुछ पुराने हिसाब किताब है, उन्हें चुकाना है मुझे। अरे भाई जैसे वो बाकी सब कुछ निपटा रहे हैं इसको भी देख लेंगे। नहीं पप्पा, उन्हें तो मुझे खुद ही निपटाना होगा। मेरे ख्याल आप सही कह रहे थे, मुझे घर किराए पे लगा देना चाहिए। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी बात तो समझ में आई, मैं मुनीब से कहता हूँ तुम्हारी मदद कर देगा। नहीं पप्पा प्लीज, मैं कर लूंगी, मामू है ना। अरे मामू तुम्हारे बेचारे क्या क्या देखेंगे। हो जाएगा पप्पा, उसे परेशान ना करें। मैं जानता हूँ तुम क्यों मना कर रही हो, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन बहरहाल उसे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। मैं बात करता हूँ उससे। वो तुम्हें तो कोई एतराज नहीं ना अगर मुनीब मायरा की कुछ मदद कर दे। वो वहां नहीं जाए। अम्मा सही कह रही हैं अब्बा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है तो मैं खुद चले आता हूँ। लेकिन क्यों अब्बा, मायरा ने जो किया उसके बावजूद भी, मामू तो आपके दोस्त भी थे। इसीलिए तो कह रहा हूँ, बहुत लड़ाइयां हुई हैं तुम्हारी अम्मी और हमारी भाभी के बीच, लेकिन हमारी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आया। वो आपकी पढ़ाई थी अब्बा। तुम चाहते हो कि मैं छोटा पड़ जाऊं? नहीं अब्बा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ऑल द वे फ्रॉम बावलपुर यहाँ क्यों आएंगे उसकी मदद करने। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि जुनैद भाई ने किस तरह तिनका जोड़ के ये घर बनाया था। हर बात में वो मुझसे मशवरा लेते थे, लेकिन तुम्हारी और सायरा की बात तय करते हुए उन्होंने मुझसे पूछा तक नहीं। इसलिए क्योंकि उन्हें मुझ पे पूरा पूरा भरोसा था। मायरा ने चाहे जो भी गलती की हो, मैं उसका साथ हरगिज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो जुनैद की बेटी है। मैं आ जाऊंगा उसकी मदद करने, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।